नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। विमेन अगेंस्ट क्राइम की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ औरतों के खिलाफ हुए अपराधों की कुछ ऐसी कहानियाँ जिसमें सिर्फ जिस्मों का हनन नहीं हुआ, हनन हुआ औरतों के अस्तित्व का, पूरी औरत जात का। कहानियाँ जिन्होंने सिस्टम, समाज तो क्या, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानियाँ जो आप सबको पता होनी चाहिए। ये कहानियाँ हैं उन औरतों की जिनकी झलक आप सबको अपने घरों की बेटियों और औरतों में दिखेगी, क्योंकि अब एक औरत पर वार हर औरत का भार। इंसान और जानवर दोनों एक ही ईश्वर की संरचना है, लेकिन देखा जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो फर्क है समझ का। इंसान महसूस कर सकता है, अच्छे बुरे सही गलत के बीच में इंसान फर्क कर सकता है, दूसरों के सुख और दुख को महसूस कर सकता है, और इसे कहते हैं संवेदनशीलता। ये इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से हमें ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संरचना कहा गया है। पर अगर इंसान अपनी इंसानियत ही भुला दे, तब वो सही और गलत के बीच के मापदंड को भुला के अपनी वासना, अपने लालच को खुद पर हावी हो जाने दे, तब वो एक नरभक्षी जानवर से भी ज्यादा डरावना बन जाता है, जो समाज के लिए विनाशकारी भी है और खतरनाक भी। पता तो बाजू तो छोड़ूंगा नहीं आता। अरे लड़की पूरी बोझ अपने बाप की तरह। अरे किया क्या है उसने? तुमको दिख नहीं रहा था, ये पूरा शर्ट गीला किया मेरा, पानी का ग्लास लाके मेरे ऊपर डाल दी। अरे अक्कल ओक्कल है कि नहीं तेरे को? मूर्ख है का तू? हाँ अक्कल है? इतनी बड़ी घोड़ी हो गई, समझता नहीं तुझे? अस कर तो घोड़ी, हाँ फिर नहीं करेगी वो, नहीं करेगी। मैं माफी मांगती है ना। 16 की हो गई है, शादी करके इसे यहाँ से निकालो ताकि मेरा सर से टेंशन खत्म। इसके बेवड़े बाप को बोलना शादी के पैसे वो देगा। रुड़ू रखो। नहीं आए, आपने मुझे मारा ना? मेरी बात सुन, इकड़ी बैठ। खूब मर लेना, दुखते है? तू मेरे को बोली, मैंने भी तुझे मारा। अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती बता? महेश की जितनी थी तू, 8 साल की, इतनी सी। तेरा वो बेवड़ा बाप हम दोनों को छोड़ के चला गया, तब से इन्होंने ही हमें संभाला है ना। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? जल्दी से खा ले, फिर स्कूल जा, तेरे दोस्त लोग आते ही होंगे ना। पर नाश्ता कहाँ से आया? बाबा ने तो मना किया था ना आई को मुझे नाश्ता देने से। एक काम कर, तू ही खा ले, तुझे भी तो भूख लगी होगी ना। अगर मीतर खूब स्ट्रांग है, मेरे को जल्दी भूख नहीं लगती और तेरा स्कूल मैथ टेस्ट भी है, तू ही खा ले। खा। मेरा बहुत प्यारा भाई है और तू इस दुनिया की सबसे बेस्ट ताई है।
गौरी हाँ? कौन है उधर, किसको देख रही है? कोई नहीं है आई, वो मीना अब तक आई नहीं ना, तो तीरस भगत होती, कोई नहीं है। स्कूल जाने के पहले ना एक कपड़े घड़ी करके जा, समझी ना? क्या आई, सुबह से तो काम कर रही हूँ, अब मुझे अभ्यास करने दे, मेरा टेस्ट है। ऐसा नहीं किया आ? तुम लड़की लोगों को घर का काम और पढ़ाई दोनों आना चाहिए, तभी सर्वगुण संपन्न अच्छी लड़की बोलते हैं। बाबा पर मेरा टेस्ट आई करे काय बाबा, बाबा अच्छी लड़की अपने बड़े लोगों को ऐसा उल्टा जवाब नहीं देती है, समझी का? नाश्ता लगा। दो महीने से बीपी बढ़ा रहे थे मेरा, हाँ कितने फोन चोरी किए रहे मेरे एरिया से, उनको छोड़ूंगा नहीं मैं। सर ये देखिए, अरे कौन है ये बच्ची, किसका रेप कर रहे थे तुम लोग, हाँ ये फोन किसका है? सर इसका ऐसा, ये तुम चोरी भी करते हो, ये भी धंधा करते हो, ये कहाँ बना रहे हो ये सब? ये बच्चों का पौन है साहब, मैं बस देखता हूँ, माँ कसम साहब बस देखता हूँ साहब। घुमाता है मेरे को घुमाता है, हाँ झूठ बोलता है मेरे से। तेरे को मालूम है ना इंडिया में पोर्नोग्राफी बंद है, कहाँ से देख रहा है ये सब? मैं ये सब इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ साहब, एक वेबसाइट है जहाँ ये सस्ते में और आसानी से डाउनलोड हो जाती है साहब। फिर ये वेबसाइट के बारे में सच बोल रहा है पता करो, अगर झूठ बोल रहा है ना तो इसके ऊपर रेप किस डालो, लेके जाओ इसको। सिर्फ पता करो ये लड़की कौन है सर। कंट्रोल रूम। किताब मिल गई ना टेबल पर? हाँ नाश्ता कर ले चल। आई थोड़ा सा लेट हो रहा है। शीतो दिस इज फॉर यू। वाओ गोल्डन पेन। यस ऑफ कोर्स गोल्डन पेन फॉर गोल्डन बेटी। थैंक यू बाबा। गॉड ब्लेस यू। शीतल चल। हाँ आई। अरे मीनू ये क्या नाश्ता कर ले? नहीं आंटी लेट हो जाएगा, चल शीतल। सुनिश क्या कर रहा है मस्तीखोर? अगर रेखा भाई बहन में ऐसी मस्ती होती है। नहीं मेरी शीतू ऐसी नहीं है, यही ऐसा करता रहता है। क्योंकि सोम लड़का है और लड़के थोड़े मस्ती को रोते ही है। मैं तो इससे भी ज्यादा शैतान था, पूछना मेरी बहन से, लेकिन ऐसी मस्ती दोबारा नहीं। हो बाबा चल। ऑल द बेस्ट। गौरी कब आएगी? गौरी आ रही हूँ। आ गई आ गई आ गई आ गई। ए गौरी क्या कपड़े घड़ी नहीं किया रे तूने? आई मेरे को लेट हो रहा है। ठीक है मैं भी नहीं करने वाली, स्कूल से वापस आके ना तू ही करेगी, समझी ना? अभी जा। ठीक है। अच्छा तेरे बाबा भी ऐसे ही हाथ पर डिजाइन देते हैं? अरे फिर मारा क्या? सही में मैं तो बहुत लगी कि मेरे आई बाबा इतने अच्छे, मुझे तुम दोनों का सुन के बहुत खराब लगता है, मन करता है तुम दोनों को घर ही रखूं। अच्छा फिर तो कितनी मस्ती करेंगे ना अपन लोग। हाँ और हम तीनों की जोड़ी भी कितनी बेस्ट है। अरे बेटा जोड़ी दो की होती है, तीनों की नहीं, तीन याने तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। नहीं काका ये तो आपने गलत कहा, हमारा तो तीन तिगड़ा काम तगड़ा है। क्यों? तो इस बहाने एक तगड़ा इनाम मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये बेटा। अरे मोस्ट वेलकम, आज तुम्हारी एग्जाम है ना इसलिए। आपको याद था काका? फिर मैं कैसे भूल सकता हूँ बेटा। अच्छा पेपर लिख रहे हैं, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? हाँ। अरे जाओ जाओ एग्जाम शुरू हो जाएगी। थैंक यू काका, बाय बाय बाय। अरे मीना शीतल हो तुम? चलो। अच्छा ये बताओ एग्जाम कैसी गई? बहुत अच्छा। मेरा भी बहुत अच्छा था, मेरी तो पढ़ाई नहीं हुई थी पर टेस्ट खूब छान होता एकदम इजी। ये सब ना आपटे काका की चॉकलेट का असर है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आपटे काका तो ना अपने गांव के सांता क्लॉस है। मीना तेरे बाबा हैं? तेरे असली बाबा
प्रकाश बाबा। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं बाबू से मिलकर आती हूँ, ठीक है? बाय। चल गौरी, चाट खाएगी? नहीं, तू जा, मुझे घर पे जल्दी पहुंचना है। अगर मैं नहीं पहुंची ना तो आई मेरा चाट बना देगी। तू जा। चल बाय। चले बहुत अच्छा है जी। कसम मानूस आया ऐसे मारते हैं बच्ची को? बेटा तो फिकर मत कर, तेरे को जल्दी ले जाएगा मैं उस नरक से। बाबा पहले आप दारू पीना तो छोड़ दो और कोई नौकरी ढूंढ लो, तभी तो आई जाने देगी। तुझे शपथ, देखो आज से दारू बंद। सच में बाबा? अरे सच में। अरे अब मुझे नौकरी भी लग गई है। अरे देख मैं तेरे लिए क्या लाया, तुझे आवड़ते चॉकलेट। थैंक यू बाबा। बाबा चलो मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो रही है, ठीक है? जा बेटा। बाय। हाँ कार्जी के। हाँ बेटा। ओ हो। हाँ चल। हाँ बाय। तेरी पूरी वेबसाइट गंदे वीडियो से भरी पड़ी है। मोबाइल से अपलोड करता था ना तू वीडियो? वो मास्क वाला रेपिस्ट तू ही है ना? नहीं सर, मैं नहीं हूं सर, मैं तो उस मास्क वाले का फैन हूं सर, उसकी वीडियोस बेस्ट होती है सर। टर्न ऑन वाली वीडियो? टर्न ऑन वाली रेप की वीडियो? टर्न ऑन वाली तू ही है वो रेपिस्ट? नहीं सर, मैं नहीं हूं सर, मैं तो बस उसकी वीडियोस डाउनलोड करके वेबसाइट पर अपलोड करता था सर। सर आप चाहे तो चेक कर लीजिए सर। चल गया, पता करो सच बोल रहा है क्या। क्या हुआ शिरगे? सर सही बोल रहा था वो, ये रही वो वेबसाइट maskfantasy.in। सर यहीं से वो वीडियो डाउनलोड किए गए थे। अरे वेबसाइट का कंटेंट देख के लग रहा है कि इस पे सब ये बच्चियों के रेप वीडियो अपलोड करते हैं। व्यू देख रहे हैं सर? क्योंकि सारी लड़कियां माइनर हैं, पर इधर देख के लग रहा है कि सारी लड़कियां इंडियन हैं। ये वीडियो साइबर सेल को भेज दो, मुझे पता लगा नहीं वेबसाइट कौन और कहां से ऑपरेट कर रहा है। एक एक फ्रेम चेक करो, कुछ भी क्लू मिले मुझे बता। ठीक है सर, बट ये केस हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मैं कमिश्नर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि केस हमारे पास दे दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है सर। रेखा मी बघितलं सोमेश ने शीतल को मारा। आंटी झूठ मत बोलो, आई मैंने नहीं मारा, मैं तो ट्यूशन में था और साइकिल भी लेके नहीं गया मैं। अच्छा हुआ तू थी शीतल के साथ, मदद हो गई। अब हार गई तुझे। अगर शीतल भी मेरी बच्ची जैसी है तू इसका ख्याल रख और इस सोमेश की तरफ थोड़ा ध्यान दे, शैतानी करते करते एक दिन बड़ा कांड ना कर दे। कांड तो शालिनी के साथ होगा, बहुत झूठ बोलती है ना ये। झूठ तो तेरी हर बात लगती है मुझे, अभी देखा मैंने तुझे साइकिल पे घर आते। और शीतल के साथ भी तूने किया ना ये, दोबारा शीतल को कुछ हुआ ना तो तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा, रक्षा करते हो तू। अगली बार मैं इससे ज्यादा मारूंगा, तू पर लक्ष्य रखते हो। सर कोई क्लू ही नहीं मिल रहा है कि जितने भी वीडियो हैं सब डार्क रूम में शूट किए गए हैं सर। और ये जो भी रेपिस्ट है इसने फेस पे मास्क लगाया हुआ है, हाँ लेकिन एक दो वीडियो हैं जो शायद गोडाउन जैसी जगह पे शूट हुआ है। ये देखिए
मिल गया। ये नंबर देख रहे हो, हर गांव में ऐसा नंबर दरवाजे पे लिखा होता है। इस दरवाजे के ऊपर भी एक नंबर है। पता करो ऐसा नंबर किसी आसपास के ग्राम पंचायत ने दिया है क्या। तुमची मीना घरी कधी बसून आली नाही? दोपहर से साहेब स्कूल गई थी, वापस ही नहीं आई। सब जगह देख लिया मैंने, स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा साहब उसको, तो पता नहीं किधर है। कोई बॉयफ्रेंड या फिर किसी लड़के का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं साहब, मेरी मीना ऐसी बिल्कुल नहीं है। तुम मीना के बाबा हो ना? हाँ। तुम्हें कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस उसे जल्दी ढूंढो साहब, नहीं तो पूरे गांव में बदनामी होगी हमारी। मोरे मीना की फोटो और डिटेल्स ले लो और सब जगह फॉरवर्ड कर दो। हो साहब। गौरी तेरे होट पे क्या हुआ रे? कुछ भी तो नहीं हुआ। तेरे चोट कैसी लगी? अच्छा वो तो मैं कल काम कर रही थी ना, तो इसलिए लग गई थी। कब लगी थी कल? दोपहर को। नहीं मैंने तो सुबह भी देखा था ये निशान। नहीं आई, मुझे तो दोपहर को लगी, सुबह कैसे देखा होगा। आकाश के साथ में कुछ ऐसा वैसा गलत तो नहीं कर रही ना? बेटा जब से मीना गायब हुई है ना मेरे को बहुत डर लगता है। आई तू घबरा ना कुछ, और मीना अपने असली बाबा के यहाँ गई होगी और वो खुश होगी। तो उसके आई बाबा पुलिस के पास में क्यों गए? साहब वो दयानंद मीना का सौतेला बाप है, उसका असली बाप प्रकाश धोत्रे है जो कि गांव के बाहर रहता है। मीना के दोस्तों से पता चला कि मीना से मिलने वो कभी कभी स्कूल के बाहर आता था, और वो दयानंद मीना को बहुत मारता था। इसलिए शायद वो भाग गई हो। उसको कल किसी ने देखा? नहीं साहब, वो लोग बाहर आए तो मीना जा चुकी थी। साहब मीना ताई अपने बाबा प्रकाश काका के पास गई है। तुम कौन बेटा? मैं महेश, मीना का भाई हूँ मैं। उस दिन सुबह बाबा ने ताई को बहुत मारा, पट्टी से जोर जोर से हाथ पे मारा, ताई बहुत रोई, मैं गया था उसे चुप कराने। ताई ताई हेगे पैसे? हाँ 1000 रुपए है, बाबा के पर्स से निकाले हैं। अब तू ये पैसे लेके यहाँ से भाग जा। देख ताई, अगर तू यहाँ से नहीं भागी ना तो तुझे रोज मार खाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरे पापा प्रकाश काका के पास जाना, अरे वो तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ए उठ, ए बेवड़े उठ। मीना किधर है? हो गया अपने आई के घर पर। वो कल यहाँ पे आई थी? नहीं। अबे बेवड़े उठ, खर खर सांग। आई शब्बा साहब खर सांग, वो इधर नहीं आई, मैं 2 दिन पहले उससे मिला था, वो इधर नहीं आई, अपने आई के घर नहीं गई, वो किधर गई? मीना कल स्कूल से वापस घर नहीं आई, उसका कोई दोस्त बॉयफ्रेंड या फिर ऐसा कोई जो उसको नुकसान पहुंचा सकता हो? दयानंद वो साला हलकत मारो, अब मेरी फूल से बच्ची को वो रोज मारता है, बोझ बोझ बोलता है, उसे ने कुछ किया होगा मेरी बच्ची को। ये मीना ने तुमको बताया? बताया दिखाया साहब, मैं जब भी उससे मिलता था उसके आग के मार के निशान होते थे साहब। बोला लता से, लता मेनू को मेरे यहाँ छोड़ दे, पर साला अपन बेवड़ा, मेरी दारू ने मेरे मीनू को छेड़ लिया साहब। मोरे ये दयानंद के पीछे अपने लोग लगा दे, वो कहाँ आता है कहाँ जाता है किससे मिलता है सब जानकारी मुझे चाहिए, उसका फोन डिटेल भी चाहिए। हो साहब। और इस प्रकाश का बैकग्राउंड भी चेक कर, ये बेवड़े लोग जानते ज़्यादा है बताते कम है। हो साहब। वीडियो में दरवाजे के ऊपर जो हमें नंबर दिखा था, उस नंबर का मकान नासिक जिले में ससुल गांव में, चलने की तैयारी कर। पद्मा काकी आई को कह रही थी कि मीना उसके बाबा क्यों तो नहीं है। अच्छा हाँ,
और मुझे तो लगता है कि वो भाग गई। पर भरा जाला, उसके बाबा उसको कितना मारते थे, राक्षस कुटले। शीतल तू खाना क्यों नहीं खा रही है? हाई भूख नहीं है। जब से मीनू गई है शीतल को कुछ हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। या केकर साहब, जैन साहब, जैन जैन जैन, वेलकम। कसा झाला प्रवास? उत्तम उत्तम। नाशिक आणि लोणावळ्याचा प्रवास उत्तमच होतो, थंडी हवा। आइए सर। चार चम्मच शक्कर की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। साहब हमारे थाने का स्पेशलिटी है चाय। नहीं नहीं, अब चाय की बात बाद में करते, पहले केस की बात करते। हाँ, ये देखिए, ये है वो केस। ऐसा कुछ केस नासिक या ससुर में हो रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया? नहीं केकर साहब, ऐसा कोई केस नहीं आया, ना ही माँ बाप का, ना ही किसी बच्ची का। बस अभी 3-4 दिन पहले एक 15 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है, मीना नाम है उसका। बट इस घर से भांडण सर, सौतेले बाप मारता है और असली बाप बेवड़ा, लगता है भाग गई हो। हो सकता है कि सौतेले बाप ने कुछ किया। नहीं, वो काम पे था और मारने पीटने की बात भी मान ली है उसने, टेम्पर इशू है उसको। किडनैपिंग का भी केस हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में 15-16 साल की लड़कियां दिख रही है, इसका मतलब माइनर लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि कहीं मीना भी इस रैकेट में तो नहीं फंस गई? पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ जादो, वीडियो में हमें एक नंबर मिला, डोर पे लिखा था, जो ग्राम पंचायत अलॉट करती है। हमें पता चला कि ये जो नंबर है ये ग्राम पंचायत ने ससुर गाँव को अलॉट किया है। मोरे बोल जरा। हो साहब, साहब ये सीरीज नंबर तो ससुर गांव के बाहर जो फार्म हाउस हैं उन्हें अलॉट किया। साहब दरवाजा तो खुला है, चेक करो। सर ये देखिए, वो वीडियो यहीं पे शूट हुआ है सर। ये दरवाज़ा और दरवाजे के पीछे है नंबर, कॉन्डम्स के पैकेट में है सर। सर ये और पैकेट्स भी मिले हैं और एक कैमरा चिप। लगता है लोग इधर ही वीडियो शूटिंग करते थे, पर इस सामान भी यहीं कहीं से खरीदा है। कहाँ से खरीदा होगा? ससुर में ये चीजें एक ही दुकान में मिलती है, रामदेव। रामदेव हो सर, मैंने बेचा है। किसको? साहब वो ससुर और आजू बाजू गांव के 3-4 वीडियोग्राफर, उनमें से किसी एक को बेचा होगा। इसका डाटा रिकवर कर सकते हो? हो जाएगा, पर 2 घंटे लगेंगे समझो। पर 2 घंटा क्या करेंगे केकर साहब?
नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता करेंगे? जादो एक काम करो, ये फार्म हाउस किसका पता करो। ये जो काम है ना, ये एक आदमी नहीं कर सकता, दो तीन आदमी ने मिलकर काम किया है। और ये भी पता करो, ये जो वीडियोग्राफर है, एक खाली टाइम में बॉर्न फिल्म तो नहीं शूट करता। मोरे सबको राउंड ऑफ करो और पूछताछ करो। हो साहब। सर दुकान वाले ने चेक किया, पूरा चिप बिगड़ा हुआ है। मुझे लगा ऐसा होगा। ओके सर, एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, मीना से डिस्क्रिप्शन मैच होता है। साहब ये तो मीना रावती है। निशा चेक करो बॉडी को। सर रेप है पक्का, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स और बहुत ब्रूटल तरीके से। सर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स डैमेज हैं। मीना छोटे बच्चे ने साहब किसने किया होगा मेरी मीना। मीना के पिताजी नहीं आए, मोहित किया था अभी फैक्ट्री में, बोला कि किसी काम से बाहर गए, उन लेके नहीं गए साथ में। मीना एक 15 साल की छोटी सी भोली सी प्यारी सी बच्ची थी, जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने शराबी बाप और माँ का तलाक देखा, सौतेले बाप की मार खाई और अब किसी ने उसे भयानक दर्दनाक मौत दे दी। क्या कसूर होता है इन बच्चों का? दुनिया में कदम कदम पर वैसे ही दरिंदे बैठे हैं जो आपके बच्चों को कभी भी नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपके बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, उनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। जादो सबसे पहले पता करना होगा कि मीना का रेप और मर्डर पॉन रैकेट का तो मामला नहीं है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अच्छा फार्म हाउस के बारे में पता किया? हाँ श्यामराव देशमुख नाम है उसका, वो यहाँ नहीं रहता, साल में एक ही बार वो यहाँ पे आता है। उसकी कॉल डिटेल्स भी चेक की लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं कि उस पर शक किया जाए। वो फार्म हाउस साल भर बंद ही रहता है। फार्म हाउस बंद रहता है इसीलिए इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। साहब ये मैं दयानंद की फैक्ट्री में होके आया, जिस दिन मीना गायब थी उस दिन वो भी गायब था और वो भी सेम टाइम पे। सर मैंने प्रकाश के बारे में पता किया है, वो एक नंबर का बेवड़ा है, कुछ काम धंधा भी नहीं है उसके पास, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से उसके पास काफ़ी पैसा आ गया है, जितना उधार था सब चुका दिया है और शराब भी पी रहा है, वो भी कैश खरीद। वाह कमाल है। कमाल तो है क्योंकि बेटी का रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, सगा बाप दारू पी रहा है और सौतेला बाप बॉडी देखने के लिए भी नहीं आया। दो गाना क्यों नहीं हो सर? सर मेरी लड़की गौरी तो मीना की दोस्त है साहब, वो मेरी लड़की भी कल रात से गायब है। रात को मेरे को बोली कि अपने दोस्त शीतल के घर में जाएगी पढ़ाई करने को, रात को उधर ही रुकेगी, सुबह आएगी, पर सुबह आई नहीं साहब। हो सर हम लोग आ गए तो शीतल के घर पे ताला था, हम लोग घबर गए, इधर आ गए हम लोग। मेरी लड़की को ढूंढ दो साहब। उसके दोस्तों से पूछताछ की? बोलो सर, वो कविता से पूछा तो वो बताया कि गौरी और शीतल दोनों साथ में स्कूल के बाद गए थे, सुबह स्कूल से दोनों नहीं आए सर। और थोड़ी आगे, बस बस। अरे ये ताला तो लगा हुआ है, बच्चे शायद आए नहीं स्कूल से। केकर साहब ये मीना की पीएम रिपोर्ट, डेथ 9 दिसंबर दोपहर 2 से 4 के बीच हुई है, मल्टीपल और ब्रूटल रेप केस है जैसे दिशा ने बताया था, मौत स्ट्रैगुलेशन से हुई है,
रिसेंट रेप है, मतलब मर्डर के 3-4 दिन पहले ही हुए हैं। मीना के साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर, उस मास रेपिस्ट ने एक और वीडियो अपलोड किया है, इस लड़की को देखिए सर। अरे तो मीना है, मतलब मीना का गायब होना, उसका रेप और मर्डर, तीनों उस पॉन रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। क्रिकेट साहब, कहीं गौरी और शीतल भी तो हो सकता है। तीनों दोस्त थे और तीनों एक के बाद एक गायब हो गए। दिशा, एक काम करो, इन तीनों का कोई कॉमन फ्रेंड है क्या पता करो, या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर। सर, साहब, ये शीतल रायकर ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। क्या हो साहब? सिरसाई नहीं लग रहा है, गले पे रोक मार्क्स है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, घर को अच्छे से चेक किया है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। घर को ताला क्यों था? पता नहीं सर, हम लोग तो शादी में गए थे, यहाँ राहुरी में। शीतल और सुमेश घर पर अकेले ही थे। हम लोग जब यहाँ आए तो घर पे ताला लगाया हुआ था, चाबी हमच्चे होती, तो हमने ताला खोला और हम लोग जैसे अंदर आए तो शीतल, चाबी किसी और के पास थी? नहीं सर, मेरा बेटा सोमेश, सिर्फ उसके पास ही चाबी थी। ये सोमेश कहाँ है? कितना आसान है बच्चियों को डराना, धमकाना, उन्हें परेशान करना। सोमेश हो या दयानंद, गणेश हो या लता, जब जी चाह थप्पड़ लगा दिया, जब जी चाह कोस दिया, या सोमेश की तरह मस्ती के नाम पे जख्मी कर दिया। क्या शीतल की मौत सोमेश की बदमाशियों का नतीजा था? सोमेश का घर से गायब हो जाना तो इसी और इशारा कर रहा था। पर मीना को किसने मारा? मीना का वीडियो पॉर्न वेबसाइट तक कैसे पहुंचा? एक सवाल और था कि गौरी कहाँ थी, उसके साथ क्या हो रहा था। अंदेशा यही था कि इस बात का जवाब डरावना ही होगा। केस तो बड़ा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई बड़ा सबूत या लीड नहीं था। ऐसे में एक लोकल वीडियोग्राफर पुलिस के शक के दायरे में आ खड़ा हुआ। सर, ये सुरेश पाटिल ने अभी अभी शादी की है, काफी खर्चा किया है, नया बंगला, नई गाड़ी, उसके पड़ोसी भी हैरान है कि इतना पैसा लाया कहाँ से। सच में हैरानी की बात है। मोरे, वो सुरेश को उठा के लेके आओ और इस केस में केकर साहब को असिस्ट करो। सर, मैं कमिश्नर सर से मिल के आता हूँ, एक अर्जेंट केस आया है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। भाऊ सर, मैं मीना रावत को जानता तक नहीं, विश्वास करा माजावर सर। पिछले 9 महीने में तूने एक भी वीडियो फिल्म नहीं शूट की ना, शादी की, फिर भी 2 महीने में तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पॉर्न फिल्म शूट करता था ना तू? नहीं सर, मेहनत का पैसा है सर। पिछले 2 साल में 5 मराठी फिल्में शूट की है मैंने, और बहुत मुश्किल से सर ये 2 साल का पेमेंट अभी मुझे मिला है सर। बहुत बुरा हाल है इंडस्ट्री का सर। 2 साल में 5 मराठी फिल्में और सबका पैसा मिला? मेरे बैंक डिटेल्स भी देख सकते हैं। नहीं, वो तो सब करेंगे, हम सब चेक करेंगे। जब तक ये साबित नहीं होता तो सच बोल रहा है झूठ, हमारे कस्टडी में रहेगा। चल साहब, सोमेश रायकर मिल गए, उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में। कैसे अभी तबीयत सोमेश की? ठीक नहीं है तबीयत, बेहोश है अभी तक, डॉक्टर कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसी गाड़ी ने उड़ा दिया सर, जिस दिन हम लोग राहुरी गए थे उसी दिन, देवी मंदिर के पास। देवी मंदिर तो राहुरी रोड पर है। आप भी तो राहुरी में थे ना, कहीं आपसे तो मिलने नहीं आ रहा था वो। सर, बहुत शरारती था वो, शीतल को बहुत सताता था, शायद उसने ही कुछ। फिर लेकर तुझा भाई बहन का झगड़ा अलग होता है और किसी की जान देना अलग होता है। फिर क्यों मारी मेरी बेटी? हाँ, एक मिनट, हॉस्पिटल है वो, तो सोमेश होश में आने के बाद पता चलेगा क्या हुआ एग्जैक्टली। मैं कांस्टेबल को अपॉइंट कर देता हूँ। हेलो, कितना दारू पिया है रे? हाँ, दारू पी के तूने वहां बेटी मरी है। ये बैग तेरे घर से 200 मीटर दूर मिला, बता किसका बैग है ये? मालूम नहीं सर। किसका बैग है? मीना का बैग है। तेरी बेटी को तूने बेचा ना? हाँ साहब, वो मुन्ना मिला, बोला कि 10,000 रुपये देगा, कोई कवारी लड़की ला के देगा। उस दिन मैं मीना को स्कूल के बाहर मिला और उसको गोले में नशीली दवाई खिला,
दारू पीने की वजह से मेरे को कोई नौकरी नहीं लग रही थी और पैसे भी खत्म हो गए, तो मुन्ना से पैसे लिए और बैग फेंक दिए। मुन्ना किधर है? गया सर। ड्रग ओवरडोज। शिरके, इसके कॉल डिटेल्स चेक करो, ये जरूर अपने टीम से बात करता होगा, उसके जरिए हम गौरी को बचा सकते हैं। आखिरकार पुलिस उस मास्क वाले आदमी मुन्ना के घर तक पहुंची गई, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुन्ना ड्रग ओवरडोज के कारण अपनी जान गंवा चुका था। पुलिस को वहां मास्क भी मिला, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि वो मास्क बहुत ही साधारण सा था और हर दूसरी दुकान में मिलता था। तो ये एक संयोग था या पुलिस को भटकाने की सोची समझी साजिश? वो मास्क वाला आदमी मुन्ना ही है, इस बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए। इंडियन साइबर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की 25% इंटरनेट एक्टिविटी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की होती है, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये करना बहुत आसान है। किसने सोचा होगा कि जो फोन एक माँ अपने बच्चे का हाल समाचार पूछने के लिए इस्तेमाल करती है, उसी फोन से उस बच्चे का अश्लील वीडियो बनकर पूरी दुनिया में वितरित हो जाएगा। आकाश करो देना सिर्फ एक केस। आकाश तुम तो सिर्फ एक ही केस बोल रही थी ना, छोड़ो। तो केस करने में इतना मजा आया तो सोचो आगे और कितना मजा आएगा। नहीं प्लीज छोड़ दो आकाश, छोड़ दो। नहीं करना। अरे छोड़ो मुझे। क्यों? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। साली मेरे को मारती है तू, मेरे को मारती है। आकाश देख बेटा, तू माइनर है इसलिए मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तू झूठ बोलेगा तो जो एनजीओ वाली आंटी है ना, इनके सामने कपड़े निकाल के मारूंगा। सच बता। सब मैंने कारी को गर्लफ्रेंड बनाया था ताकि मैं उसे बेच सकूं। किसको बेचने वाला था? सब विक्रम। हाँ? विक्रम देसाई नासिक का वीडियोग्राफर। गौरी से पहले कितने लड़कियों को बेचा था उसको? सब मैंने गौरी को नहीं बेचा था। फिर उसके पहले कविता और दो लड़कियां और दी थी मैंने विक्रम को। मोरे किसी कंप्लेंट आई थी? सर हम लड़कियों को डरा के रखते हैं कि हम वो सारे वीडियोज उनके आई पापा को दिखा देंगे तो वो छुपी बैठती हैं। अच्छा बहुत होशियार लड़की हो तुम। हाँ अगर तुमने गौरी को विक्रम को बेचा नहीं था तो ये कैसे बना? सब मैं खुद शौक हूं कि गौरी विक्रम के पास कैसे पहुंची। सब ये विक्रम किसी बॉब नाम के आदमी से बात करता था बहुत बार, जो शायद उसका बॉस था, और हाँ सर इनका एडिटर संतोष शिंदे वही था जो इनकी सारी वीडियोस एडिट और अपलोड करता था। सिर्फ पता करो ये सच बोल रहा है क्या, और इसको रिमांड होम में भेजो। और हाँ ये विक्रम उसका एड्रेस पता करो। साहब ये तो लॉक है। आओ ये विक्रम को देखा क्या? कहाँ साहब, जब से इधर रहने को आया है घर में कम बाहर ज्यादा रहता है। आकाश ने बताया था विक्रम उसको हमेशा फार्म हाउस पे मिलता है, वहाँ चेक करो और अपने आदमियों को काम पे लगाओ। गौरी को बचाना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हो साहब। क्या बाबू क्यों बुलाया तुमने मुझे? हम तेरे को जाना है तो जा, मगर दूसरा एडिटर देकर जा। अब मतलब दूसरा एडिटर भी मैं ही ढूंढूं? ठीक है तेरा शोरील तेरे होने वाले वाइफ को भेजता हूँ, उसे तो पता चलना चाहिए तू क्या करता है। भेजो? कैसे भेजोगे? आपके पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और मैं मना कर दूंगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। प्रूफ? ये तेरा लैपटॉप है ना, ये प्रूफ है ना? चल दे।
लैपटॉप लो, भेज दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, भेज दो। ए गौरी और विक्रम कहाँ है? सच बोले तो यहाँ फिल्म बना दूंगा तेरी। मैं नहीं जानता था सर, वो तो भाग गया। बॉब कौन है? ये बॉब कौन है? नहीं मालूम सर, मैं बस विक्रम से बात करता था, वो मुझे कंटेंट ला के देता था, मैं एडिट करता था और अपलोड करता था। कंटेंट ला के देता था? हाँ, छोटे छोटे बच्चों के रेप वीडियो अपलोड करता है, उसको कंटेंट बोलता है? शर्म नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती तेरे को? कंटेंट चाहिए। सर सोमेश को होश आ गया। उस दिन आई बाबा के जाने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने फोन देखने का प्लान बनाया। ये तो शीतल है, तेरी बहन। मैंने ये खुद ने नहीं किया, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। तू आई बाबा की लाडली बेटी है ना, उनको बता दूंगा जाके उनके खुद घर ने कैसे उनकी नाक कटवाई है। नहीं सो, 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 उनको मत बताना। सो, 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 मैंने कुछ नहीं किया सो। उसके बाद में आई बाबा को बताने के लिए रावरी जा रहा था, सामने से गाड़ी आई और मुझे ठोक दिया। मैंने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तू सही बोलती थी आई, मैं बहुत बुरा हूँ भाई, मैं बहुत बुरा हूँ भाई, ये सब मेरी वजह से। उसने बताया था कि ये सब बॉब ने उसके साथ किया, पर मैंने ही नहीं माना। बॉब? शीतल ने बताया था बॉब कौन है? हाँ शीतल ने बताया था। चलो ढूंढो। सर चिरके, अरे उसको खोलो। हॉस्पिटल लेके चलो उसको। बॉब बबन अपटे, बच्चों के अपटे काका, शर्म नहीं आती तेरे को? तेरे आधे पैर लटक रहे कबर में, ये उम्र में धंधे करता है? सच सच बोल, इतना मारूंगा सवेरे बैठने के वांदे हो जाएंगे। बोल। सर तो सर, वो मुझे छोटी बच्चियों की सेक्स वीडियो देखने की आदत हो गई थी, बहुत मजा आता था। रिटायर के बाद पैसों के बहुत तंगे होने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद ऐसे वीडियो बनाऊं। तो मैंने विक्रम से बात की, तो सारा प्लान उसी ने बनाया। मुन्ना का फेस मास्क वाला आइडिया मस्त चला, खूब खूब पैसे आने लगा था। मुन्ना को रेपिस बनाया और संतोष को एडिटर। बच्चों को कहाँ से लाता था? सब वो पहले तो एक दो जन को फंसाया, फिर उनको बोला अगर आज़ादी चाहिए तो अपना रिप्लेसमेंट लेके आओ। इस तरह कविता अब शीतल को लेके आई और शीतल गौरी को, लेकिन मीना को मुन्ना लेके आया था साहब। मीना ने गौरी को यहाँ देख लिया तो उसने उसे छुड़ा लिया, दोनों भाग गए साहब। उसका मरना जरूरी था ना साहब, नहीं तो हमारा पोल खोल देती थी, पूरा बिजनेस चौपट हो जाता था। बच्चों को जो मॉलिश करते ना उनका बहुत अलग तरीके से स्वागत होता है जी। किसी भी तरह का संयोजित जुर्म एक व्यापार ही होता है, बिक्री तभी होती है जब खरीदार होता है। याद रखिए कि ऐसे क्राइम सिर्फ अपनी मानसिकता बदल के ही रोके जा सकते हैं। अगर आपके पास वो मीना का वीडियो आया होता तो आप क्या करते? आपका जवाब आपको आपके और हमारे समाज के बारे में बताएगा। हमें जुर्म से लड़ना है, उसे रोकना है,
ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड नहीं करना है और उसे सिर्फ डिलीट करने से भी कुछ नहीं होगा। हमें जागरूकता बढ़ानी होगी अपनों के बीच में, ऐसे वीडियोस के पीछे असहाय लड़कियों का दुख समझना होगा। चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब आपसे विदा लेती हूँ और आपसे फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, एक औरत पे वार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।